नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉन्डरिंग अमित में, जिसमें मैं आपसे अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें करता हूँ, योगा से जुड़ी हुई बातें करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में हर 10 में से एक आदमी को है। 42 मिलियन पीपल इस बीमारी से ग्रसित है। जो थायराइड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा, जो कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को असर करता है। और ये जो असर है, ये हमारे शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई, पूरी तरीके से हमारे शरीर का विकास, ये सारी चीजें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़ी हुई हमारे थायराइड पे डिपेंड करती है। थायराइड से जुड़ी हुई 3 तरीके की मेन बीमारियां होती है। पहला होता है गॉइटर। थायराइड की नोड्यूल्स जब हमारे जो हमारे गले में है, जब वो सूज जाती हैं, तो हमारा गला जो है वो सूज जाता है, मोटा सा गला हो जाता है, बहुत बाहर भी निकल जाता है। इसको हम हिंदी में घेघा भी बोलते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड हमारे अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हमारे अंदर एक्सेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब हमारे अंदर ये कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें कि हमारे अंदर हार्मोन्स एक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जनरली हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है वीकनेस, एक्सेस स्वेटिंग, लॉस ऑफ वेट, उंगलियों का कांपना, दिल है वो बहुत ज़्यादा धड़कता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। हाइपोथायरॉयडिज्म, जब हमारे अंदर हार्मोन्स की कमी होती है तब हमारा जो वेट है वो बढ़ने लगता है, हम सर्दियाँ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कमर दर्द, बदन दर्द, बालों का सूख जाना, और जो हमारी पल्स रेट है, जो हमारा हार्ट बीट है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ये सारी कुछ सिम्टम्स हैं थायरॉयडिज्म के। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थायरॉयड को ठीक करने के लिए, आयोडीन का हमारे शरीर में सही मात्रा में होना। तो सही मात्रा में तब होती है जब हम कच्चे सब्जियाँ, कच्चे फल, इनका जब हम सेवन अपने भोजन में करते हैं, तब ये हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को कम नहीं होने देते हैं। पर जब हम पका हुआ खाना या बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना खाते हैं तो वो धीरे धीरे आयोडीन को ख़त्म कर देता है, और जो खाना हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में आयोडीन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आयोडीन की मात्रा को अपने शरीर में सही करने के लिए लीफी वेजिटेबल्स, फल फूल सलाद, इस तरीके के जो आहार हैं इनको बढ़ाना चाहिए। दालें जो भिगो करके स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें खूब खानी चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की कमी ना हो। अगर हम इस बीमारी से ग्रसित हैं तो हम इसको ठीक करने के लिए कुछ योगासन भी कर सकते हैं, जिससे जो कि आप अगर अपने अभ्यास में रोज इंक्लूड करेंगे तो आपका जो थायराइड है वो कम होता चला जाएगा। तो हमारा सबसे पहला आसन है सूक्त पवनमुक्तासन। सूक्त पवनमुक्तासन के लिए हम अपने मैट पर आराम से लेट जाएंगे, अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स, हाथों को अपने साइड्स में, पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स, पूरी तरीके से रिलैक्स करना है, बॉडी हमारी सीधी रहे। अभी हम इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस अंदर भरें और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने राइट लेग को ऊपर की ओर लाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। एक्सहेल करते हुए अपनी थाइस को अपने पेट पर अंदर की ओर दबने देंगे। पूरी हवा बाहर निकल जाने के बाद हम अपने आगे से शरीर को उठाते हुए अपने चिन को या अपनी नोज को अपने घुटने से लगाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर, और फिर वापस, और पैर को भी वापस सीधा कर लेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। सेम चीज, यही चीज हम अपने लेफ्ट लेग से बाएं पैर से खींचते हुए ऊपर की ओर, अपने पेट की ओर, अपने थाइस को अपने पेट पर दबाते हुए अपने सर को उठा करके लाएंगे, अपने चिन को, अपनी नोज को अपने घुटने से लगाएं, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, एंड देन, और उसके बाद वापस, और पैर को सीधा खोल लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से लंबी गहरी सांस को अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को साथ में पीछे की ओर लाएंगे, अपने पैर को अपनी तरफ खींचे, पेट पर अपनी थाइस को पूरा अंदर की ओर दबाते हुए अपने सर को लाएंगे, अपने घुटनों से मिलाएं,
उड़ते रहेंगे थोड़ी देर और फिर वापस। तो इस आसन में भी हम अपने आप को हर एक बार में हर एक पोजीशन में अपने आप को 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही हम 2 से 3 राउंड 4 राउंड तक इस अभ्यास को सुप्त पवन मुक्त आसन को बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए भी अपने मैट पर पूरी तरीके से रिलैक्स सीधे लेटेंगे। अपने हाथों को उठाकर अपने शोल्डर्स के पास रखते हुए अपने हाथों से अपने बॉडी को पुश करेंगे नीचे की ओर, उठाते हुए अपने गर्दन को सर को लगाएंगे। हमारा थ्रोट पूरा स्ट्रेच, पीठ ऊपर की ओर उठी हुई, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में थोड़ी देर और फिर अपने हाथों को उठाकर लाते हुए अपने शरीर को सीधा कर लेंगे, हाथों को सीधे, कंप्लीटली रिलैक्स। इस आसन में भी हम अपने आप को 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 राउंड हम इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे गले पे पूरा जोर पड़ता है और पूरा खिंचाव हमारे गले पे आता है। हमारा तीसरा आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए भी हम सीधे लेटेंगे, अपने हाथों को अपने साइड्स में, धीरे धीरे अपने पैरों को उठाते हुए ऊपर 90 डिग्री, अपने हाथों को नीचे पुश करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, हाथों को लगाते हुए अपने आप को पूरा सीधा करें अपने शोल्डर्स तक ऊपर की ओर, पूरा जोर हमारे गले पे, अपनी चिन को अपने कॉलर बोन से टच करें, होल्ड करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर और फिर नीचे। तो सर्वांगासन भी हम 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। 3 से 4 राउंड हम रोज लगभग अभ्यास इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे जो थायराइड से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गोइटर है, थायरोडिज्म है, हाइपरथायरोडिज्म है, इस तरीके की सभी बीमारियों को ये धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी के साथ में जब आप अपना अभ्यास, जब अपना योगा अभ्यास शुरुआत करते हैं, तब ग्रीव संचालन, इसमें हम अपनी गर्दन का मूवमेंट करते हैं, ये जरूर करें। इससे हमारा जो थायराइड है, हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हमेशा एक्टिव रहेगा। ग्रीव संचालन के लिए अपने चिन को अपने कॉलर बोन से टच करना होता है। इसमें हम पहले अपनी गर्दन को पूरा नीचे की ओर ले जाएंगे, अपने चिन को अपने कॉलर बोन से टच करें, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर अपनी गर्दन को वापस सीधे ऊपर की ओर और पीछे की ओर पूरा लटका दें, जिसमें आपका थ्रोट पूरा स्ट्रेच हो जाए। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर वापस। और ग्रीव संचालन में ही हम दूसरा आसन कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी पूरी गर्दन को नीचे ले जाए पहले। तो इस तरीके से हम एक डायरेक्शन से राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं और थोड़ी देर बाद हम इसी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थायराइड से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन बताए हुए आसनों को फॉलो करें, अपने शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को संतुलित करें और हर प्रकार के रोगों से दूर रहते हुए स्वस्थ और सुखी जीवन जिएं। धन्यवाद।